वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हमारे पास आई है ड्यूक 200, जिसके अंदर चलते चलते गाड़ी बंद हो रही है, तो उसके अंदर चेक करना पड़ेगा हमें क्या दिक्कत है। तो चलिए आइए चेक करते हैं उसके अंदर की प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली, उसमें करंट क्या जा रहा है, क्या दिक्कत है। तो चलिए आइए चेक करते हुए दिखाते हैं आपको कि उसके अंदर प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। चलिए ये रही ड्यूक 200 जो हमने खोल रखी है गाड़ी को, वायरिंग वगैरह चेक कर रहे हैं। तो इसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, जो इसके अंदर ना हम चाबी ऑन करते हैं तो मोटर चल नहीं रही है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। तो हम उसको चेक करेंगे कि इसके अंदर दिक्कत क्या है, कि मोटर क्यों नहीं चल रही है। पहले तो हम चेक करेंगे उसके अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तार हमारी निकली हुई है, ये तो फ्यूल पम्प टंकी की है और ये वायरिंग की है। तो इसके अंदर हम दो तार लगाएंगे पार्किंग वाले बल्ब की, सबसे आसान तरीका यही है चेक करने का इसका। तो हम इसकी चाबी करेंगे ऑन, तो पहले आपको दिखाएंगे। जैसी चाबी ऑन करेंगे तो इसके अंदर पल्स आती है, देखिए चाबी ऑन हो चुकी है, किल स्विच ऑन है, जो उसके अंदर पल्स नहीं आ रही। तो हमारा पहला काम क्या है, हम चेक करेंगे इसकी वायरिंग यहाँ से। तो यहाँ से तो हमें कोई वायरिंग कटी हुई लग नहीं रही है, फिर भी हम चेक करेंगे इसको। और दूसरा हम चेक करेंगे रिले, जो इसके अंदर रिले होती है, ये वाली बीच वाली जो फ्यूल पंप के अंदर करंट फेंकती है। तो हम ये वाली रिले भी हटा के भी चेक करेंगे इसके अंदर क्या क्या दिक्कत है। गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी तो नहीं है गाड़ी, पर यह है कि मौसम के हिसाब से आपको पता ठंड का टाइम हो रहा था, ये वायर वगैरह जो होते हैं हार्ड हो जाती हैं, तो वायरिंग वगैरह टूट भी जाती है, ECM भी ख़राब हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। पर हम ऐसे बता नहीं सकते कि आपको क्या दिक्कत है जब तक हम चेक नहीं करेंगे। तो आप चेक करना शुरू करते हैं। चलिए शिवम खोलिए ज़रा, वायरिंग वगैरह चेक करिए, इसे खींच के देखिए हल्की हल्की तारे सारी। सही है यहाँ से तारे? तो आप ये रिले चेक करिए इसकी, ये बीच वाली रिले है इसकी, इसका निकालिए रिले निकालिए जरा। ये देख रहे हैं आप इसके अंदर कि कितनी मिट्टी भरी पड़ी है इसके अंदर और कार्बन कितना। ओहो ये देखिए फॉल्ट ये सामने ही है, इसकी वायर टूटी हुई है और ये भी फ्यूल पंप की है, और दूसरा इसके अंदर भी मेरे ख्याल लग रहा है बहुत कार्बन है, जो साफ भी करना पड़ेगा हमें। निकालना जरा इसे, ये देखिए इसके अंदर कितना कार्बन है, पास से देख लीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं कितना कार्बन। तो ऐसे हम हल्का सा पेट्रोल लेंगे और उससे ब्रश लेके टूथब्रश वाला उससे साफ़ करेंगे, और थोड़ी ये रिले जो गंदी हो रही है ये भी साफ़ करेंगे। देखिए जंग लग पूरा कार्बन लगा हुआ इसके अंदर, और जो ये वायर टूटी हुई है ये फ्यूल पंप की है, जो इसके अंदर फ्यूल पंप के अंदर जैसे चाबी हम ऑन करते हैं ना, तो ऑन करते सारे रिले का जो करंट होता है सीधा इसके अंदर जाता है, तो वो उसके अंदर आगे फेंक नहीं रहा, इसलिए ये मोटर चल नहीं रही है। तो हम इसको रिपेयर करते हैं, पहले साफ सफाई करेंगे फिर इसकी तार छील के इसके अंदर लगाएंगे, पहले हम इसकी सफाई करते हैं। चलो दूसरी वाली कर, उस साइड से चलो चेक कर लो।
हमने इसकी पेट्रोल से सफाई कर दी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, देखिए दोनों की। तो अब ये तार हम छीलेंगे, तो छील के ना इसकी अलग से लगाएंगे इसके अंदर, इस पर ये तार टूटी है ना, तो यहाँ पे लगा देंगे अलग से हम इसके अंदर। ये बीच वाली तार टूटी है ना यहाँ की, तो अलग से यहाँ पे लगा देंगे छील के। तो यही प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो यहाँ से भी तार ये जंग खा के ना टूट जाती है, तो फिर दिक्कत आती है गाड़ी अंदर। तो आप कभी भी अगर गाड़ी खोले तो उसको चेक ज़रूर करें, रिले की ये मेन बीच वाली रिले होती है ड्यूब 200 के अंदर, तो बीच में लगी होती है उसी की तार टूटती है मेन, ये इसी की है फ्यूल पंप की। ये देखिए ऑरेंज ऑरेंज दोनों ने सेम है ना, ये तार की दिक्कत है। चलिए पैक करते हैं इसे, फिट करके फिट करेंगे इसे, मंगवा लेना। ठीक है भैया, ठीक है। ये तार हमने इसकी जोड़ दी है, ये वाली तार बीच वाली, इसमें पॉइंट पे देखें ना पीछे वाला पॉइंट खाली है, इसके यहाँ पे डाल दिया हमने तार। तो अब करंट दोबारा चेक करते हैं इसको, दोबारा ऑफ करके ऑन करियो, हो गया ना चालू। ऐसी पल्स आती है इसके अंदर जब हम चाबी ऑन ऑफ करते हैं। तो चलिए गाड़ी हमारी ओके हो गई है, पैक करिए इसे। चालू हो गया, स्टार्ट करना।